दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या वैशाख अमावस्या 8 मई दिन बुधवार को पड़ने वाली है। वैशाख अमावस्या के दिन गाय से जुड़े उपाय अगर आपने कर लिए तो पूरे साल धन की वर्षा होगी। चुपचाप गाय माता को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज 8 मई 2024 को रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या की तिथि का आरंभ 7 मई 11:40 पर आरंभ होगा और 8 मई को सुबह 8:10 से होगा। ऐसे में उड़ाया तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 8 मई को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं, चंद्रमा और शनि दोनों की कृपा मिलती है। वास्तव में 8 मई वैशाख अमावस्या बुधवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं 8 मई वैशाख अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज। करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहें कि आपकी सात पुश्तें तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सभी सुख आपके चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीब भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर आजीवन बरसती है। मानव के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र कमी नहीं होती है, धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं, मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 8 मई अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको इस अमावस्या के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार मन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना, यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 400 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ सेल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो या फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाना, बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जाए गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी गया है।
यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें? घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान तो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें और इस खास अमावस्या के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वैशाख अमावस्या के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। इस अमावस्या के दिन दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष के अध्ययन कर लेते हैं तो मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, मान्यता है। गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। सोलन गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? गाय दर दर भटक रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। मैं गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की, लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म में पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी।
भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को गाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ चार बनवाते हैं वह माह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट दे। अगर कभी भी उठाना नहीं चाहिए, कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पाप मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को ले चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते, ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को ढोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है, ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एक माँ देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचके की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस मैचके ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी पूर्णिमा दिन या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृ दोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबत बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अथ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन दे देंगे तो वह रोटी बांसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांस रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आप बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रख, बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सर जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को खिलाएं, आटे की 5 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय
गाय के सीन पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दो दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे, जो दुख का समय चल रहा भी खत्म होगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। 11 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख लें, अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी गोद रख लें।